नमस्ते। फर्स्ट एड की अगली पायदान पर हम आपसे ये बताना चाहेंगे, शेयर करना चाहेंगे कि एक आधे बच्चे को या एक आधे राहगीर को जब आकड़ी आ जाती है, फिट आ जाती है, तो वो कैसे अपने आप को एक्सप्रेस करता है। वो हमेशा ये प्रॉब्लम होती है उसके दिमाग को, किसी नस में खून की कमी होने की मात्रा में वो एक फिट मार देता है, और वो जब भी फिट करता है, फिट आती है उसको, वो जबान काटने लग जाता है। उसकी एक्शन कैसे होती है, पहले उस पर गौर करिएगा। वो जबान बाहर निकाल के अपने दांतों के तले काटना चाहता है। हम आपको ये बता दें कि जबान जब बाहर होती है तो क्या होता है। आप जीभ बाहर निकालें, जीभ जब बाहर निकली होती है तो जो सांस नलिका होती है वो बंद हो जाती है, वो प्राणवायु के लिए तड़फता है और इसके लिए वो करने लग जाता है। अब ऐसे समय पे पेशेंट का जबड़ा खोल के उसकी जबान अंदर कैसे डाली जाती है देखिएगा। फिर से मैं दोहरा दूं, फर्स्ट एड का मतलब मेरे पास जो भी चीज उपलब्ध है उसका इस्तेमाल करते हुए मैंने किसी की जान बचानी है, उसे फर्स्ट एड कहते हैं जी। देखिए, आप अगर बाहर गए हो, आपके पास कार है, आपके पास कार की चाबी है, इस कार की चाबी का हम इस्तेमाल करें। इस चाबी का हम इस्तेमाल करें कैसे, ये अंगूठा और ये जो बीच की हमारी फिंगर है, उंगली है, इसमें सबसे लॉन्गेस्ट डिस्टेंस होता है जी। इस अंगूठे को इस कान के नीचे रखें, इस उंगली को इस कान के नीचे रखें और वो सर को अपने धड़ में पकड़ लें, जोर से दबाएं, पेशेंट मुंह खोलता है, चाबी अंदर डाल दीजिएगा। क्या होगा, ज्यादा ज्यादा एक हाथ दो दांत टूट जाएंगे, कोई बात नहीं, दांत लग जाएंगे, लेकिन जबान कटने से बचेगी, उसकी जान बचेगी। तो ये वो तरीका है, सिंपल एकदम, घर में बैठे बैठे मैं क्या कर सकता हूं। हम ये बता रहे हैं कि घर में अगर मैं अपनी प्रेजेंस ऑफ माइंड को थोड़ा सा यूज कर लूं, समय सूचकता को मैं थोड़ा सा यूज कर लूं, तो सही में मैं डॉक्टर का इंतजार में किसी ना किसी की जान बचा सकता हूं। लेकिन कोशिश ये रहे कि पेशेंट जब बैठा है और आप ये सब कर रहे हो, पेशेंट को लिटा के करिएगा, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध पेशेंट के दिमाग को खून कम पहुंचता है, खून कम पहुंचता है तो उसको प्राणवायु कम मिलता है, प्राणवायु कम मिलता है वो और आकड़ी मारने लग जाता है। कोशिश हमारी यही रहेगी, किसी को भी फिट आती है या आकड़ी आ गई है, बिठा के नहीं रखना है, उसको लिटा देना है। थैंक यू।